ऐसी ऐसी जो मैंने कमोडिटीज में तेजी देख रहा हूँ, ये मैंने 20 साल में नहीं देखी। और अगर मैं उसकी तुलना करूँ तो स्टेट बैंक का जो भाव होना चाहिए एज द लार्जेस्ट लेंडर, कॉर्पोरेट लेंडर, इट शुड बी 650। सो आई थिंक पीएसयू बैंक्स आर ग्रॉसली गोइंग टू दे आर गोइंग टू बी सच बिग आउट परफॉर्मर्स के यू नो द स्मॉल एंड मिड कैप बैंक्स इज वेयर द रियल मनी इज। इस क्वार्टर में जितनी प्रोविजनिंग है सब हो जाएगी, द राइट बैक्स विल बी इमेंस। जिंदल स्टील ने पैसा दे दिया, टाटा स्टील रिड्यूस कर रही है। तो आपको मैं कहता हूँ एक सिप कीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक और पीएनबी। टारगेट रखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 140 रुपये, कैन बैंक का 240 रुपये और पीएनबी 70 से 75 रुपये। दिस इज द टाइप ऑफ टारगेट यू विल सी। तो आज की दो कॉल्स हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है, ब्रोकरेज लगता है। तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बैंक अगेन मैं रीट्रेड करता हूँ, 385 to 390 कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, बट यू मे सी इवन 450 इफ यू कैन होल्ड ऑन टू स्टेट बैंक। अल्टीमेटली स्टेट बैंक विल गो टू 600+। द अदर बाय वुड बी द बिगेस्ट प्रॉक्सी टू HDFC, यू नो सिग्ने वॉट लैंग्वेज द प्रमोटर सीईओ मिस्टर मिस्त्री हैज सेड दैट हाउसिंग फाइनेंस मे बी इन द बेस्ट प्लेस एवर। तो आपको इंडिया बुल 183-184 में मिल रहा है, जिस इज हाफ टाइम प्राइस टू बुक एट अ मल्टीपल ऑफ 7,000, विच इज अनबिलीवेबली द बेस्ट वैल्यू पिक। एंड इंडिया वो लीजिए 82-84 में 170 का स्टॉप लॉस, लेकिन इसको रखिए 240 से 245 आपको दिख जाएगा इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स।